नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन का, ठीक है, ये आज कुछ महत्वपूर्ण कुछ मैं टॉपिक लाया हूं। जैसे कि भारत के शिक्षा आयोग, यानी कि जो अब तक जो शिक्षा आयोग बने हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों दो सवाल एकदम पक्के मान लीजिए, इस वीडियो को देख कर आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। भारत के शिक्षा आयोग, उनके कार्य स्थापना वर्ष, जो हायर एजुकेशन में जरूर पूछता है आयोग, ठीक है, इसमें से सवाल जो है जरूर फंसते हैं। तो ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा नाम आप देख सकते हैं, देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ, चार बार नेट पास। हमारा नंबर है 8755475312। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा, ठीक है। और फीडबैक दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे वीडियो के बारे में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये खुद बनाई थी, दिसंबर के लिए बनाई थी, परंतु मैं लेटेस्ट बताऊँगा आप, ठीक है। महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या दिसंबर में दोस्तों 48 थी, परंतु अब जो है वो 54 है, ठीक है। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना आप, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 54। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यूजीसी के विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम 1956 के तहत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ठीक है। दोस्तों अधिनियम बना था यूजीसी का 1956 में, संसद के बाद, संसद के प्रस्ताव पास हुआ था संसद में, तब दोस्तों ये जो है औपचारिक रूप से इसकी स्थापना हुई थी। और अनौपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1953 में हुई थी यूजीसी की, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। और दोस्तों देखो, 2019 लिख रहा है यहाँ पर, 2020 लिख दो। 2020 में रैंक के आधार पर विश्वविद्यालय दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन है आज भी, ठीक है। IIS, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बंगलुरु साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दोस्तों बंगलुरु आज भी पहले स्थान पर है 2020 में भी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू दूसरे स्थान पर है यूनिवर्सिटी में, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये भी तीसरे स्थान पर है, ठीक है, 2020 की रैंकिंग में भी। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, हर साल एक रैंक जारी करता है, विश्वविद्यालयों के अलग जारी करता है, इसको कॉलेजों के अलग करता है दोस्तों। और कॉलेजों की बात करें दोस्तों, मिरांडा हाउस जो है दिल्ली में है वो पहले स्थान पर है, मिरांडा हाउस, ठीक है। उसके दूसरे स्थान पर है दिल्ली का ही लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, दूसरे स्थान पर है। और जो तो हिंदू कॉलेज जो है दोस्तों दिल्ली का ही, वो तीसरे स्थान पर है, टॉप तीन में वह, ठीक है। भारत में प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या दोस्तों दिसंबर में कितनी थी पिछले साल? 282 थी। और दोस्तों मैं बिल्कुल लेटेस्ट बताऊंगा अभी आपको, जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो है 365। कितनी दोस्तों? 365 हो चुकी हैं, ठीक है। कितनी है दोस्तों? 282 नहीं है, पिछले साल की है। 365 जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आज की डेट में, ठीक है। और दोस्तों प्रथम सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय हेल्थ मेडिकल और टेक्निकल साइंस है, ठीक है। प्रथम जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है वो सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय हेल्थ मेडिकल और टेक्निकल साइंस वाला है, ठीक है। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना आप, ठीक है, जो लिख रहा है उसको जो मैं अपडेट कर रहा हूँ। डीम्ड विश्वविद्यालय संख्या दोस्तों 2019 में कितनी थी? 122 थी। अब जो है दोस्तों बिल्कुल मैं जो मैंने अभी लिखे हैं 124 हैं। कितने हैं दोस्तों? 124 जो है वो डीम्ड विश्वविद्यालय संख्या है 2020 में। और प्रथम जो डीम्ड विश्वविद्यालय है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु है, ठीक है। राज्य यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी की जो संख्या है 2019 में कितनी थी दोस्तों? 367। और आज की डेट में दोस्तों, आज की डेट में जो हो चुकी हैं वो है 419, ठीक है दोस्तों। राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी की संख्या 2020 में कितनी है? 419 है इस टाइम, 419। अब दोस्तों आप देख रहे हैं हम महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग। सबसे पहले भारत में आधुनिक शिक्षा की जो स्थापना हुई थी वो मैकाले के मिंट से हुई थी, ठीक है।
दोस्तों मेघालय का मिनट जो है सबसे पहले मानते हैं हम 1835 में आया था ये, यानी कि लॉर्ड मेघालय जो था इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके जो सुझाव थे दोस्तों क्या थे, शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से भारतीय को पढ़ाया जाए, ठीक, ध्यान से समझना, अगर दोस्तों आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे। दूसरा सुझाव था उसका, अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया इसके माध्यम से। सुझाव तीसरा था इसको, मेकाले के नाम पर मेकाले आयोग रखा गया है विलियम बेंटिंक के काल में रख बना था, ठीक है दोस्तों, विलियम बेंटिंक के काल, यानी कि उस समय विलियम बेंटिंक जो था दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद में वुड का डिस्पैच घोषणा पत्र, ठीक है, वो 1854 में आया था, कितने दोस्तों 1854 में, वुड का डिस्पैच घोषणा पत्र 1854 में आया था। उसमें क्या था आइए देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा अभी कहते हैं उसको, उच्च पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए मेधावी छात्रों की सहायता के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी उसमें, निजी संस्थानों को सरकारी कोष से अनुदान दिलाने में सहायता करना, ठीक है। चार्ल्स वुड के नाम पर वुड डिस्पैच नाम पड़ा। डलहौजी के काल में दोस्तों, यानी कि लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद में आया हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन 1882 में आया और ये लॉर्ड रिपन के काल में आया था दोस्तों। इसकी ने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के पृथकीकरण, यानी कि अलग अलग करना इसको, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को अलग और उच्च शिक्षा के अलग करने पर उसने बल दिया। लॉर्ड रिपन के काल में बना और हंटर के नाम पर, ठीक है, उनका नाम ही एक हंटर था, एक जो व्यक्ति था उसका नाम हंटर था, उसी के नाम पर दोस्तों हंटर आयोग बना था, ठीक है। और अगला है यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सिटी आयोग, ठीक, ध्यान से समझना, लॉर्ड कर्जन के समय में बनाया गया था दोस्तों। उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। इसका उद्देश्य है विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधारों के लिए सिफारिशें करना था। इसका नाम, इसका जो अध्यक्ष था दोस्तों यूनिवर्सिटी कमीशन का, वो थॉमस रैले था। क्या था, थॉमस रैले। और दोस्तों 1904 में इसी आयोग को विश्वविद्यालय अधिनियम बना दिया गया, ठीक है, इसी आयोग को 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना दिया गया, ठीक, समझ गए कुछ। अब अगला देखते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन या सैडलर कमीशन 1917, ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष मिशेल सैडलर थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया था, ठीक है। आशुतोष मुखर्जी दोस्तों इसके सदस्य भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया था। सैडलर कमीशन 1917 में आया था। हर्टोग कमेटी, ठीक है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे वो फिलिप हर्टोग थे। 1929 में ही आया था, केवल इसका नाम ही काफी है, हर्टोग कमेटी 1929 में आया था। अब दोस्तों इसके बारे में देखते हैं, ठीक है, इस कमेटी का उद्देश्य है शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु किया गया था। हर्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व की बात कही थी, माध्यमिक शिक्षा के बारे में संतुष्टि ने मैट्रिक स्तर पर विशेष बल दिया था, यानी कि जो आयोग था दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के बारे में इस जो आयोग था मैट्रिक स्तर पर बल दिया था, ठीक है। अबॉट वुड रिपोर्ट, दोस्तों बढ़िया सवाल है ये, ठीक है, अबॉट वुड रिपोर्ट ये भी एक आ सकता है भारत में। अबॉट वुड रिपोर्ट दोस्तों 1936 से 37 में आया था। ये भारत में व्यावसायिक शिक्षा की योजना बनाने के लिए बनाई गई थी। इस योजना के अनुसार ही सार्जेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष ए अबॉट और एस एच वुड थे। उसके बाद में जाकिर हुसैन कमेटी या वर्धा शिक्षा समिति 1937 में थे। इसके अध्यक्ष जाकिर हुसैन बनाए गए, ठीक है, जाकिर हुसैन कमेटी या वर्धा शिक्षा समिति। बुनियादी शिक्षा के लिए जो हस्तशिल्प या उत्पादन कार्य पर आधारित हो, ठीक है, इसके दोस्तों सुझाव थे, ठीक है, बुनियादी शिक्षा के लिए जो हस्तशिल्प या उत्पादन कार्य पर आधारित हो। बच्चों को 7 वर्ष तक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए।
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ठीक है। इसके लिए दोस्तों सुझाव थे 1937 में वर्धा शिक्षा समिति या जाकिर हुसैन कमेटी के सुझाव थे। उसके बाद में सार्जेंट रिपोर्ट आई 1944 में, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में, इसके सुझाव क्या थे, 6 से 11 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की गई थी। इसमें भारत को 40 वर्षों के अंदर पूर्ण रूप से साक्षर बनाना था इसको, इसका उद्देश्य, ठीक है। इस योजना में इंटरमीडिएट श्रेणी को समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग 1948 में था। ये स्वतंत्र भारत का दोस्तों पहला, ठीक है, ध्यान से समझना, स्वतंत्र भारत का पहला ये आयोग था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग 1948। विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए तो इसकी नियुक्त किया गया था। राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशें लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षित करना, व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षण कार्य 18 घंटे से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए, तो 8 घंटे, ठीक है, शिक्षण कार्य जो है 8 घंटे से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, तो ये अनौपचारिक रूप से इसकी स्थापना जो हुई थी यूजीसी की वो 1953 में हुई थी, दिसंबर 1953 में, ठीक है। परंतु दोस्तों अब ये देखिए 1956 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बनाए गए। अब डीपी सिंह है, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को भी अनुदान देता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, यूजीसी के 6 कार्यालय हैं। कार्य क्या है इसके, ये भी आ सकता है सवाल, कई बार आ चुका है ये कार्य, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं उच्च शिक्षा के बीच समन्वय निकाय के रूप में कार्य करता है ये। दूसरा कार्य है उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों एवं संस्थानों के सलाहकार की भूमिका में। तीसरा कार्य विश्वविद्यालयों की वित्तीय जरूरतों, रखरखाव एवं विकास के बजट का आवंटन एवं वितरण करना। उसके बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के उपाय के सुझाव देता है ये। कानून के अनुरूप नियम एवं नीति बनाना इसका कार्य है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना व अनुदान के आवंटन पर सलाह देता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो आया था मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ठीक है। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की थी, ठीक है। आयोग ने दोस्तों मुदालियर आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिशें की थी। 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए, इसकी मुदालियर आयोग की दोस्तों ये सिफारिश थी। अब देखते हैं NCERT दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है, क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, दोस्तों रिसर्च जो है गायब हो गया है, ठीक है, रिसर्च है यहाँ पर। इसका गठन 1961 को किया गया। इसकी 3 इकाई प्रमुख हैं, पहला है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, और तीसरा है केंद्रीय शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है। अब दोस्तों NCERT के कार्य देखते हैं। कार्य पहला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप की रचना, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप की रचना। दूसरा कार्य है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तीसरा कार्य व्यावसायिक शिक्षा को प्रेरित करना। चौथा महिला शिक्षा समाख्या।
पांचवा प्राथमिक बाल शिक्षा, ठीक है, और छठा शिक्षक की सोच में सुधार लाना, सातवां शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार लाना, आठवां प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य शिक्षा, और आगे है नौवां सूचना और प्रौद्योगिकी शिक्षा का मूल्यांकन एवं परीक्षण करना, दसवां है समूह और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा का निर्धारण करना। दोस्तों समझ लें इस बात को, दोबारा देखने वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 1964 में कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा कमीशन, ध्यान से समझा दोस्तों, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा कमीशन 1964, ठीक है। अध्यक्ष इसके थे दौलत सिंह कोठारी। में इसमें क्या था, स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार वे नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। 10+2+3 दोस्तों इसकी ये सिफारिश थी, ठीक है, इसकी व्यवस्था, ये शिक्षा व्यवस्था जो थी 10+2+3। भगवान सहाय कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, 1972, इसने क्या सुझाव दिए, भवन, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, शिक्षण प्रशिक्षण स्कूलों कॉलेज स्तर पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ठीक है। शिक्षक की योग्यता महाविद्यालय में शिक्षा में मास्टर डिग्री एमएड होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षक की योग्यता महाविद्यालय में शिक्षा में एजुकेशन यानी कि एमएड होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एनसीटीई यानी कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, ठीक है, नहीं नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, ठीक है दोस्तों, 1973। इसे असंवैधानिक रूप में गठित किया गया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे औपचारिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे औपचारिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसको भारत के संपूर्ण शैक्षिक पाठ्यक्रम को विशिष्ट प्राथमिक शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रभार सौंपा गया है, ठीक है दोस्तों, इसको भारत के संपूर्ण शैक्षिक पाठ्यक्रम को विशिष्ट, जैसे कि विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रभार सौंपा गया है। आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति 1990। राममूर्ति समिति के मुख्य विचार निम्न बिंदुओं पर केंद्रित थे, शिक्षा के उद्देश्य, सामान्य स्कूल प्रणाली, व्यक्तियों का कार्य हेतु सशक्तिकरण, स्कूली विश्व कार्य स्थल में संबंध स्थापित करना, परीक्षा सुधार, मातृभाषा को स्थान, स्त्रियों की शिक्षा, ठीक है दोस्तों, ये इनके कुछ सिफारिशें थी। और आठवीं जो सिफारिश थी धार्मिक अंतरों को कम करना यानी कि शैक्षिक उपलब्धि अवसरों आदि के संदर्भ में भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना इसका सिफारिश थी। प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में समीक्षा समिति का गठन किया गया, ठीक है, इसमें इसके द्वारा विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करने तथा तर्क संगत और व्यावहारिक बनाने का सुझाव दिया गया। दोस्तों ध्यान से समझना इस बात को, बोझ कम, बच्चों पर बोझ जो जो कहते हैं भाई किताबों का बोझ जो होता है उसको कम करने के लिए सिफारिश किया गया था इसको। प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में समीक्षा समिति का जो गठन किया गया था 1993 में किया गया था। इसके बाद में दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति का गठन 2017 में किया गया, नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति गठन 2017 में नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए इसके सुझाव दिए गए थे। नई शिक्षा नीति, ठीक है, NEP दोस्तों इसकी फुल फॉर्म में आ सकती है NEP 2019, नई शिक्षा नीति 2019। अब इसमें क्या था आइए देखते हैं। शिक्षा नीति 2019 की शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि ये देश के हर नागरिक के जीवन से जुड़ सके। दूसरा, आयोग ने पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने
और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिशें की गई हैं इसमें। उसके बाद में शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा का कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को भारतीय लोगों, उनकी परंपराओं, संस्कृतियों और भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज की जरूरतों के आधार पर तैयार किया गया है। उसके बाद में दोस्तों, शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक अपनी सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई। इसके जरिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा। उसके बाद में मसौदे में तीन भाषाओं की नीति का प्रस्ताव है, जिसमें गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में मातृभाषा, संपर्क भाषा अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य की जाने की सिफारिशें की गई हैं। उसके बाद में दोस्तों अब आता है नेक, ठीक है दोस्तों, नेक राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, नेक। इसकी दोस्तों इंग्लिश में शॉर्ट फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन एंड नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। 1994 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। यह भारत के उच्च संस्थानों का आकलन तथा प्रत्यायन या मान्यता का कार्य करती है, ठीक है। यह भारत के उच्च संस्थानों का आकलन दोस्तों के भी ये जो है ग्रेड देती है कि फर्स्ट ग्रेड में कुछ कॉलेज है या बी ग्रेड में या सी ग्रेड में, ठीक है। तो दोस्तों जब ये टीम आती है तब स्कूल जो विद्यालय होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, सफाई वगैरह करती हैं, पुताई वगैरह करती हैं, ठीक है। तो वो है अपना ग्रेड बढ़ाने के लिए कार्य करती रहती हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।